पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। भारत माता की जय का जयकारा बहुत जोर से लगाएंगे कि निमाड़ की धरती पर आज हम सभी लोग भारत माता की, भारत माता की जयकारा लगवाने वाली यह है महिला मध्य प्रदेश के खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव है, जिन्होंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खंडवा में सहित निमाड़ के सभी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करने आए थे और कार्यकर्ताओं के महासैलाब के बीच अमृता अमर यादव ने आज मंच का संचालन किया, जिससे खंडवा के भाजपा के खासकर महापौर के समर्थकों में खुशी की लहर है कि उन्होंने इतनी बड़ी जनसभा को हैंडल किया और उसके मंच का संचालन किया। आपको बता दें कि खंडवा भाजपा प्रत्याशी कंचन मुकेश तन्वे पंधाना से छाया मोरे और इसके अलावा मानधाता से नारायण पटेल सहित कसरावद के भाजपा प्रत्याशी, बड़वाह के भाजपा प्रत्याशी, नेपानगर बुरहानपुर से अर्चना चिटनेस और इसके अलावा निमाड़ की जो सीटें हैं वहाँ के प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। बोहरा समाज के भी काफ़ी संख्या में लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश का भविष्य खंडवा सहित प्रदेश की जनता के हाथ में है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, उनका पूरा भाषण तो हम आपको सुनवाने ही वाले हैं। आप जिन्हें देख रहे थे वो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल हैं। जब बोहरा समाज के लोग सभा में पहुंचे तो वहां पर बोहरा समाज के लोगों को एंट्री में दिक्कत आई, जिसके चलते तत्काल सांसद को जैसे ही ये बात पता लगी वो उनके बीच पहुँचे और उनकी एंट्री कराई। हजारों हजार कार्यकर्ता मोदी की इस सभा में मौजूद थे और मोदी मोदी के जयकारे भी सभा स्थल पर लग रहे थे। बहरहाल भाजपा का ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा क्योंकि जो पंडाल था वो पूरा भरा हुआ था और किसी तरह का कोई विवाद इस पूरे कार्यक्रम में नहीं देखने को मिला। व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी, प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद रहा। अब आपको सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस जनसभा में क्या कहा, किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस के को लेकर जो बातें कही वो आप सुनने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने खंडवा को लेकर क्या कहा, खंडवा की तारीफ में क्या कहा और एक पर्सनल रिक्वेस्ट खंडवा के लोगों से क्या की, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप आगे नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनिए। सबका विकास भी करता है। मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता था। उन्होंने भले छोड़ दिया था, मैं वो पाप नहीं कर सकता। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़े वर्ग का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा, रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता हूं। ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है, यहाँ के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाते रहूंगा, यही मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यह आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहां जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है।
आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहां शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंदकुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है, यहां की संतान जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहां के संतान किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तरार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन राज्य सरकार का, मिलकर राज्य के विकास को डबल ताकत दे रहे हैं और तभी डबल तेजी से विकास होता है। वरना जहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनती है वहां क्या हाल होते हैं? आज आप देश भर में देखिए, जहां को मौका मिला है क्या बर्बादी करके रखी। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती है, जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने आप देख लीजिए, अखबार निकाल के दे दी, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था, 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता है, लड़ाई लड़ते रहे, दो गुट लड़ाई लड़ रहे। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए, 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। हर दिन खबर आती है, अब वहां मरने वाला है, फिर अगर नहीं बोले वो मरने वाला है, और हर कोई सीएम बनने के दावे ठोकते रहते। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी अभी टिकट कटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? कपड़े फाड़ कंपटीशन है, नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं औरों को भी कह रहे हैं तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं तुम उसको कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, अपराध की बोलबाला, अनाप शनाप लूट भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, माफिया राज, यही उनकी पहचान, यही सब फलता फूलता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरेआम गला रेतकर गर्व से जल्द बनाएगा। सोचा नहीं, दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था।
उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा, लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा हमारा के लिए ये तोड़ने वाली बांटने वाली विचार को जमीन दोस्त कर देना है। दोस्तों, कांग्रेस को कहीं खड़े नहीं होने देना। कांग्रेस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। भाजपा सरकार की हर योजना का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। जब 13 करोड़ लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पूरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है। इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करे, उसकी परेशानी कम करे। मेरे परिवारजनों, कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी, चारों तरफ से मौत की खबरों के सिवाय कोई खबरें नहीं थी। वहां यहां इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे। दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड बॉडी से भरे पड़े थे, श्मशान में जगह नहीं मिल रही थी। यह हाल मिल चुका था परिवारों में भी। बेटा पूरी मां को नहीं मिल पा रहा था, कहीं उसको बीमारी लग न जाए, ऐसा भयंकर वातावरण हमने झेला। दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था, बाहर जाके काम करना मुश्किल था। जीना प्राथमिकता हो कि पेट भरना प्राथमिकता, तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है, कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे। वो हाल का याद है ना आपको, कैसे मुसीबत के दिन थे। लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आप को खपा रहा हूं, और मैं गरीबी से निकल करके आया। गरीब की क्या मुसीबतें होती है तो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं जी करके आया। और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्णय यह था, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है। मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, कोई बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए, मां रात भर विलप्त रहे, भूखे बच्चे को रोते हुए मां देख न पाए, वो स्थिति मुझे मंजूर नहीं थी। आपका बच्चा पेट भर के सो जाए, इसलिए ये मोदी जागता है। पिछले 3 साल से ये आपका बेटा, ये आपका भाई, 3 साल से जैसा एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, वैसे ही उसी भाव से मैंने 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त राशन देकर के उनका जीवन कठिनाइयों से कम करने के लिए प्रयास किया। हम लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिए, लोगों में ये जो पैसे अनाज में जाते थे वो बचे तो किसी अच्छे काम में लगाने लगे, बच्चों को पढ़ाने में लगाने लगे, बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करने में लगे। और जब मैंने सारा अध्ययन किया तो मैंने मन के अंदर एक निश्चय कर लिया, क्योंकि ये योजना तो ये दिसंबर में पूरी हो रही है, तो मैं सोच रहा था भाई दिसंबर में पूरी हो जाएगी तो मेरे परिवारजनों को अभी तो कुछ करना बाकी है, क्या होगा। और इसलिए मैं नर्मदा के तट से आज कह रहा हूं, मैंने निश्चय कर लिया है कि दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ाऊंगा, 5 साल और आगे बढ़ाऊंगा। 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे ये काम मोदी करता रहे। कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई, क्या जरूरत पड़ रही है, पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है, कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है, क्या ये मौका देना है उनको, ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी, उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान रही है, देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है, कम मौका मिले कम मालता। माताएं रहने जल्दी समझ जाती है, और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट ही लूट स्पर्धा चलती है, सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा, आपको कर्नाटक से घबराती है। कांग्रेस जाने गरीब के मध्यम वर्ग के जेब साफ करना, परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है, आप ये गलती मत करना, इतने दिन बाद मेरे सुधर रहे होंगे, वो सुधरे नहीं है, उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है, खासकर एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां, आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना, तो उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी, ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था, जनता ने हाथ जोड़ करके कहा भाव गया।
युवाओं की दोस्त दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं, वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं, तो उनको पता चले अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में नाच करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी, वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में है, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको? दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों देश के शासन किए, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे और वो झंडा चाहिए। हम तो कहीं कोने में पड़ के कोई पूछता नहीं था, हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाथ हमारा। लेकिन 2014 का आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काम शुरू हुआ, उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था, तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी कांग्रेस ने उस सूची में डाल के रखा था, पिछड़ा है, इसकी तरफ देखने की जरूरत है। आप जानते हैं मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी, फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लंबिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने बड़ा बम खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए